हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट स्टाइल डोनट की रेसिपी। इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैंने ये मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, जिसे मैंने इस कप से मेजर करके लिया है, ये 2 कप फुल कप, और इसको मैंने और 1/4 कप ऐड किया है, मतलब मैंने टोटल में 2 1/4 कप मैदा लिया है। इसमें हम ये 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। ये मैदा को मैंने छान के लिया है और ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। सभी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। ये 200 ml मैंने मिल्क लिया है, या कप से आप मेजर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मार्क है 200 का, इतना मैंने दूध लिया है। 1 3/4 टीस्पून हमने ईस्ट लिया है, एक्टिव ईस्ट, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और एक हमने बड़े साइज का एग लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम अभी इसे आटे में मिक्स करेंगे। मिक्सर हमने बनाया है, ये धीरे धीरे करके हम इसमें ड्राई जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ये आटा लग चुका है। मैं अभी इसे हाथ से मिक्स करती हूँ। ये 2 टेबलस्पून हमने बटर लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं। पहले मैं 1 टेबलस्पून डालती हूँ, ये इसे मिक्स करती हूँ अच्छे से। हमारा बटर इसमें एब्सॉर्ब हो चुका है, अभी और 1 टेबलस्पून बटर हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी इस तरह से इसमें पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से हमारा बटर इसमें एब्सॉर्ब हो चुका है। अभी मैं इसे वर्किंग सरफेस पे निकाल लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल नीचे लगा लिया है, उसके ऊपर मैं ये जो हमने आटा बनाया है ये ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम एकदम अच्छे से मसल लेते हैं। ये 1 टीस्पून ऑयल हमने इसे नीचे लगा लिया है, इसमें हमने जो अभी गोला बना लिया है ये डालते हैं और इसे 1-1.5 घंटे के लिए, जब तक कि ये डबल नहीं हो जाता तब तक हम इसे रखेंगे। ये इसे हमने क्लीन शीट लगा लिया है, अभी जब तक कि हमारा ये आटा डबल हो जाता है हम इसे ढक के रखेंगे। ये इसके ऊपर मैं एक टॉवल डाल के रखती हूँ। ये जो डोनट हम बनाने जा रहे हैं इसे हम स्टफ़ करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें कस्टर्ड लगेगा। जो कस्टर्ड बनाने के लिए 1/2 लीटर हमने फुल फैट मिल्क लिया है, जिसमें मैंने ये 5 टेबल स्पून शुगर लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हो। तो ये 5 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर डाल देती हूँ। जब तक कि हमारा दूध गर्म हो रहा है, ये मैंने एक अलग कप में थोड़ा सा दूध निकाल लिया है, इसमें ये 2 1/2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर ली है, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसका एक घोल मैं बना लेती हूँ।
शक्कर डालने के बाद हमारे दूध को उबल आ चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। जो कस्टर्ड पाउडर का घोल हमने बना लिया है इसे धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर लेते हैं। वापिस से हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसे स्लो पे ही रखेंगे। 3-4 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकने देंगे। हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो डबल हो चुका है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से फूल चुका है। अभी मैं नीचे आटा डस्ट करती हूँ और इसके ऊपर हम ये दो निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं वैनिला एसेंस डालना भूल गई हूँ, पर आप इसे ज़रूर डालिए क्योंकि उससे इसका टेस्ट अच्छा होगा। हम इसमें से गोले निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 10 गोले निकाल लिए हैं। मैं अभी दिखाती हूँ आपको इसको कैसे करना है शेप। थोड़ा सा हम आटा डस्ट करेंगे, इसमें से सिर्फ ऐसा राउंड निकालेंगे। सभी बना लेती हूँ। इसे 10-15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। हमारी डोनट की साइज डबल हो चुकी है। अभी हम ये फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये इसमें डाल देते हैं। आप ऐसे पेपर के साथ भी इसे छोड़ सकते हैं और बाद में पेपर निकाल सकते हैं, और मैं इसे पहले ही निकाल के देती हूँ। हम इसे स्लो पे ही फ्राई होने देंगे। एक साइड पे कलर आने के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक साइड से कलर आ चुका है। अभी हम इसे पलट लेते हैं सभी को और तीनों को दूसरी साइड से कलर आ गया। हमारे डोनट को अच्छा कलर आ चुका है, हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। बाकी के भी डोनट हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम पेपर के साथ ही इसमें छोड़ेंगे और जब ये छूट जाएंगे तब हम इन्हें निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे डोनट को कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सभी डोनट फ्राई होके बन चुके हैं। आप समझ सकते हो और देख सकते हो कि ये कितने अच्छे बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट है ये। मैं आपको तोड़ के अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं इसमें स्टफ़ करने वाली हूँ, तो वो स्टफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें इसे स्टफ करना है, तो उसके लिए ये मैंने एक स्टिक ली है, इसे मैं इसे होल करती हूँ। ये देखिए, और ये अंदर पूरा स्टिक हम डालेंगे और इसे इस तरह से हम सेव करेंगे।
अभी मैंने कस्टर्ड बना लिया है, ये कस्टर्ड मैं इसमें फिल कर लेती हूँ। ये देखिए मैं इसमें अंदर डाल लेती हूँ और हम इसे पूरे तरह से भरेंगे कस्टर्ड से। ये देखिए ये मैं रखती हूँ बाजू में। इस तरह से हमें सभी डोनट भर लेने हैं। मैं अभी व्हिप क्रीम से भी एक डोनट भर के आपको दिखाती हूँ। ये व्हिप क्रीम मैंने इसमें डाल के रखा है। ये देखिए इसे मैं अंदर इंजेक्ट करती हूँ, और जब तक कि बाहर निकलता नहीं तब तक मैं इसमें भी डालू। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से सभी डोनट को हम स्टफ कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चॉकलेट गनाश लिया है, इसमें हम इन्हें डिप करेंगे। ये मैं इसे डिप कर लेती हूँ। इस तरह से मैं सभी को चॉकलेट में डिप करके लेती हूँ। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना, ये देखिए पूरा पूरी तरह से इसमें कस्टर्ड है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने व्हिप क्रीम स्टफ किया है। ये भी मैं आपको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना इसके अंदर स्टफ हुआ है। ये देखिए, और ये टेस्ट में इतने अच्छे लगते हैं स्टफ किए हुए डोनट। ये हमारी स्टफ डोनट की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।